आज का व्लॉग दुकान से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पुनीत एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। होप व्लॉग अच्छे लग रहे हो, क्योंकि मैं डेली व्लॉग कर रहा हूँ। तो जो मैं डेली काम करता हूँ वही दिखा रहा हूँ व्लॉग में, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखा रहा। और आजकल जिम भी जाना नहीं हो पा रहा, क्योंकि आजकल दुकान में रहना पड़ता है ज़्यादातर, तो इसलिए आजकल जिम भी नहीं जाता। तो बस पूजा मैं कर चुका हूँ, तो मैं बाइक को बाहर करता हूँ, झाड़ू मारूंगा, थोड़ी दुकान की सफाई करते हैं। चलो तो कैमरा नीचे हो गया था, दिखा नहीं होगा। बाइक तो कर दी बाहर, झाड़ू मारते हैं। तो फिलहाल सफाई कर चुका हूँ मैं, बस बाकी तो सब बढ़िया ही है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और आजकल जैसे आपने भी वीडियो देखी होगी जो फेमिनिज्म के ऊपर चलती रहती है, मतलब जो आजकल लड़कियां उनका अच्छा फ़ायदा उठा लेती है फेमिनिज्म का। तो जो अभी देखी होगी वीडियो कि एक कैब ड्राइवर को लड़की 24-25 थप्पड़ धर दे रही है, फिर भी बंदे ने कुछ नहीं करा। तो भाई वो भी सही है, मगर उसे सही नहीं लगा होगा, क्योंकि उसने सोचा होगा भाई अगर मैं वैसे थप्पड़ मार देता हूँ जड़ने के लिए, वो भी जड़ सकता था थप्पड़, और उसने यही सोचा होगा कि अगर मैं थप्पड़ मार देता हूँ तो ये पब्लिक है, पब्लिक मारना आ जाएगी। क्योंकि आजकल लड़की का हर कोई साथ देता है, चाहे लड़की की गलती क्यों ना, हमेशा साथ दिया जाता है स्टार्टिंग में। बाद में तो अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि बाद में तो फिर जब पता लगता है हाँ भाई गलत कौन था, तब वो अलग चीज़ है, वरना स्टार्टिंग में हमेशा साथ लड़की का ही दिया जाता है, क्योंकि अपना फेमिनिज्म कार्ड खेल लेते हो, तो ये बहुत गलत है। तो उस भाई के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत ही हुआ है, मेरा ओपिनियन यही है। तो मेरा ओपिनियन यही है, पहले सबने सोचा होगा कि लड़की मार रही है वो, मतलब जब उसकी वीडियो वायरल हुई होगी तो बहुतों ने सोचा होगा भयंकर लड़की ने पेल दिया रे लड़के को। बट जब आधों ने, क्योंकि आधे तो देखो हमेशा दो साइड होती है, तो जब वो वीडियो वायरल हुई तो आधों ने बोला होगा भाई लड़की मार रही है, पक्का लड़की की गलती है। बट जब उसके बाद CCTV फुटेज आई है तो वो भी देखा होगा आपने कि गलती किसकी है। चलती रोड में लड़की क्रॉस कर रही है रोड, वो आराम से लीड लगा के रोड क्रॉस कर रही है, चालू ट्रैफिक में वो रोड क्रॉस कर रही थी उस समय, लड़के ने ब्रेक मार, वो भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले उसकी ब्रेक लग चुकी थी, आपने देखा होगा उसके बाद। तो वहाँ पे लड़की ने कार्ड खेला। आजकल यही है कि वायरल होने के लिए तो कुछ भी करता हर कोई बंदा, कोई अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई कुछ कर रहे हैं, तो बहुत गलत चीज़ें हो रही है आजकल। तो उसने भी बहुत गलत करा, ये पहला केस नहीं है जहाँ पर ऐसा हुआ, बहुत से केस आए हैं इससे पहले भी। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर स्पेशली लड़कों को कि भाई देखो अगर तुम्हारी वहाँ पे गलती नहीं है और तुम थप्पड़ खा रहे हो तो वो बहुत गलत है जिमी, क्योंकि देखो बात ही है। तो मैं लड़कों को यही कहूँगा कि भाई अपने प्रोटेक्शन के लिए जब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे तुम्हारी गलती ना हो, तुम भाई मतलब मार खा रहे हो, तो भाई धर दो थप्पड़, क्योंकि अगर पुलिस आएगी तो जेल जाना होगा, तो तब भी तुम जेल जाओगे, वैसे भी जाओगे और वैसे भी जाओगे। इसलिए बोलते हैं ना कि लड्डू खा के भी पछताओ ना खा के भी पछताओ, तो उससे बेहतर है कि लड्डू खा के पछताओ। तो सच्चा लड्डू खा के पछताओ, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। और वहाँ पे पब्लिक की गलती ये थी कि लड़की जब थप्पड़ मार रही है उस बंदे को, पब्लिक ने भी देखा था कि क्या वहाँ पे हुआ है, बट पब्लिक आई नहीं, और वैसे में पब्लिक मारने को पहुँच जाती है, मतलब उन्होंने ये देखा कि लड़की है तो क्या जाना। क्योंकि आजकल के जो प्ले कार्ड खेलते हैं वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अपने थोप देते हैं कि हाँ भाई इसने मेरे को टच कर दिया, इसने मेरे को ये कर दिया, बहुत गलत चीज़ हो रही है आजकल। उस लड़की के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। तो भाई के इंटरव्यू में भाई ने बोला कि पूरी दुनिया ने मेरे को मार खाते हुए देखा, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा 25,000 का फ़ोन तोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, बस जो सेल्फ रिस्पेक्ट गई है वो वापस देखो आप। सेल्फ रिस्पेक्ट तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई की तो कोई गलती नहीं, भाई ने सही टाइम पे ब्रेक मारे, मन में ये कह रहा हूँ कि ठोक ही देते मन में ये चल रहा है कि ठोक ही देते ना ज़्यादा बेटर था, ऐसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए इस ज़माने में खासकर, क्योंकि यार बहुत गलत होती है चीज़। सबको नहीं बोलूँगा,
कुछ लड़कियां आजकल इन चीजों का बहुत फायदा उठाती है, वायरल होने के लिए, कुछ लाइक के लिए, कुछ व्यूज के लिए, कुछ फेमस होने के लिए, वो कुछ भी करने को रेडी है इस टाइम पे। ये आपने भी देख ही लिया है, देख के लिए आप सबको दिख ही रहा है ये चीज़ें कि वो कुछ भी कर लेती है। कोई किसी पे फेक रेप केस ठोक देता है, तो कोई किसी पे हैरेसमेंट का केस ठोक देता है, मतलब कुछ ना कुछ। तो यार इन चीज़ों में ध्यान दो। मैं तो कहूँगा कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो धर दो, बाद में देख ही जाएगी। मैं किसी को उकसा नहीं रहा, बट जहाँ पे आपकी गलती ना हो, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो, तो वहाँ पे आप मार सकते हो। अब आपकी गलती है वहाँ पे तो आप नहीं कर सकते जी। तो जहाँ पे आपकी गलती ना हो वहाँ पे कर दो भाई, क्योंकि पुलिस वालों ने भी इंटरव्यू में ये बोला कि वहाँ पे हमारे पास कांस्टेबल नहीं थी, लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी, और वो हम पे भी कुछ ना कुछ चार्ज ठोक सकती थी। लड़की को कोई भी मेल कांस्टेबल नहीं टच कर सकता उस समय, मतलब जब तक फीमेल कांस्टेबल ना हो। तो यार ये चीज़ बहुत गलत है। वैसे बोलते हो कि लड़का लड़की समान है, बट जब यहाँ पे ऐसी बात आती है वहाँ पे लड़की 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 करके चलो लड़का पिस जाता बेचारा। मैं सबकी बात कर रहा हूँ भाई, आजकल चल रहा है। जहाँ पे पब्लिक को सपोर्ट करने चाहिए वहाँ पे पब्लिक सपोर्ट नहीं करती, और जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे भर भर के सपोर्ट होता। और ऐसे बहुत से केस देखे मैंने। एक बार किसी लड़की ने किसी लड़के को थप्पड़ मार दिया था बीच रोड में, मतलब ऐसे ही करा था, झूठा एलिगेशन लगाया था, और बाद में उस लड़के ने एक वीडियो बना के, क्योंकि उस पर झूठे एलिगेशन लगे थे, वो सह नहीं पाया उस चीज़ को, उस बंदे ने फांसी खा ली। मैं कहूँगा भाई इन चीज़ों में अपने दिल को कमज़ोर ना करो। वो मेरे पाजी बोलते ना आजकल ज़माना जाली, तो वही चीज़ है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ पे आपकी गलती ना हो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कोई मार रहा है, वहाँ पे आप मार दो, कोई दिक्कत नहीं बात का। क्योंकि आप देखो लड़की के केस में यही होता है, हमेशा लड़की को ही पक्ष मिलता है। लड़कों की तो बस वही है, उन्हें बोलते भाई तुम लड़के हो तुम मर दो, बहुत गलत हो रहा है। तो फिलहाल बाकी मैंने जिम की जो वीडियो डाली थी उस पर 1.4 मिलियन 400 कुछ व्यूज हो चुके हैं। जिन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, उन्हें कुछ भी नहीं है, वो 30-30 मिलियन लेके, 20 मिलियन लेके, 4 मिलियन लेके, 5 मिलियन लेके बैठ रहे हैं। और जिनमें टैलेंट है मिलियन में तो क्या ही है। तब इसी चक्कर में आजकल लोग अपना अंग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम भी फॉलोवर बढ़ाएं, व्यूज़ लें, लाइक लें, तो ये गलत है यार। दिखाने के लिए बहुत कुछ है, कुछ लाइक के लिए क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो? दिखाने के लिए बहुत कुछ है यार दुनिया में। तो फिलहाल अभी बारिश लग चुकी है और हल्की हल्की धूप भी आ रही है। तो जब बारिश और धूप आती है तो हमारे उसमें बोलते हैं कि श्याल का ब्योह हो रहा है, मतलब श्याल एक जानवर होता है लोमड़ी तरह होता है, तो उसकी शादी हो रही है ऐसा बोलते हैं। क्योंकि जब बारिश और धूप हो रही है तो जैसे अभी हो रहा है मौसम, देखो हल्की धूप भी है और बारिश भी हो रही है। तो अब टाइम हो चुका है घर जाने का, तो अब हल्की बारिश बंद होती है तो घर जाएंगे, खाना खाएंगे। तो यहाँ पर खैर पानी आता नहीं है, तो हमने जुगाड़ के लिए देखो एक टप दो। तो अभी शाम के 5 बजने वाले, तो जस्ट अभी उठा, अभी चाय पी है, और अभी मैं रील ही देख रहा था, तो 2 मिलियन व्यूज आ चुके इस रील में। देखो बढ़िया। तो शाम को आजकल मैं दुकान नहीं जाता, क्योंकि शाम को मार्केटें बंद रहती है ज़्यादातर, तो बस इस चक्कर में मार्केट शाम को नहीं जाता मैं दुकान में। चलो फ्रेश होते हैं फिर ऊपर गांव में जाता हूँ मैं। और आज मैंने एडिट भी नहीं करी वीडियो, तो आज शायद ना आए ब्लॉग, क्योंकि आज भीग गया था मैं बारिश में, तो सर दर्द होने लग गया था मेरा, फिर मैं आज खाना खा के सो गया, अभी उठा जस्ट, तो मे भी कल आए ब्लॉग, बाकी सब बढ़िया। चलो
11 हो चुके हैं। टकीला शॉट। ये पबजी खेल रहा और मैं नहीं खेल रहा क्योंकि अभी आई तो अभी आईफोन में कोई अपडेट नहीं आ रहा पबजी का, पता नहीं कब तक आएगा। कि हम आंगनबाड़ी के छत में बैठे रहते हैं दो टकाइटर देकर टकाइटर के लिए चाहिए उसका। गिली चोया अबे यार। तो आज कुछ ऐसा हुआ है, दिखाऊं? जिमी, जिमी, इधर आ। देखो। तो आज हुआ ये कि हमने जिमी को जैसे डेली दुकान लेके जाते हैं तो इसे दुकान लेके जा रखा था। तो दो तीन लड़के थे छोटे थे तो ये जिमी उनके तरफ भौंक रहा था बस। तो मैंने उन्हें बोला कि भागना मत वरना दौड़ेगा। अब जिमी की आदत है कि जब भी कोई भागता है उसके पीछे भागता है। तो जैसे वो भागने स्टार्ट हुए तो ये एक लड़के के पीछे भागा, मैं जिमी को पकड़ के ले आया था उस लड़के के सामने से। बट जो दो लड़के थे वो साइड हो गए थे, वो साइड खड़े हो गए थे रोड के साइड। तो रोड के साइड खड़े हो गए थे तो उनमें से एक लड़के ने जैसे मैं जिमी को दुकान तक ले गया, फिर उसके बाद मैंने जिमी को छोड़ा तो जिमी रोड में खड़ा था। तो उस लड़के ने 3-4 पत्थर पकड़े बड़े और जिमी में मारना स्टार्ट करा। तो अगर इसके सर पर एक पत्थर लग जाते तो, क्योंकि बहुत बड़े पत्थर थे और पैने टाइप में थे वैसे पत्थर थे, तो इस पर लगती तो ये मरता, कुछ भी हो सकता था। बट इसके पैरों में लगी, पैर में लगी एक और एक इसके थोड़े से पेट में लगी। तो पैर में लगी तो पैर का हाल देख लो, ये चल नहीं पा रहा है, दिक्कत आ रही है। तो यार देखो बात ऐसी है, कुत्ता हमने भी बचपन से पाला हुआ है, अब कोई इसे मारेगा तो बात वो है कि हमसे भी सहन नहीं होती ये चीज़ें क्योंकि हमने पाल रखा कैसे। तो मैं यही बोलूँगा, जहाँ तक मेरे को अपनी नॉलेज है कुत्तों के बारे में, तो मैं यही बोलूँगा कि जब भी कुत्ता काटने के लाए तो दौड़ो मत, वहीं पे खड़े रह जाओ। वरना दौड़ते हो ना तो कुत्तों को ये फील होता है कि ये डर रहा है, कुछ भी हो रहा है। अगर वहीं पे खड़े रहते हो तो सिचुएशन हैंडल हो सकती है टाइम के लिए, मगर दौड़ोगे तो दौड़ने में ज़्यादा काटने के लाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी बहुत से कुत्ते देखे, मैंने कुत्ते पाले भी है। ये मेरा चौथा कुत्ता, मैंने दो पहले और पाले थे, फिर बीच में मैंने एक लैब्रा भी लिया था, चौथा कुत्ता। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ पे खड़े रह जाओ, अगर कुत्ता भौंक रहा है शांत रहो। कुत्ते को भी ये होता है कि उन्हें भी डर लगता है, वो भी जीव है तो उन्हें भी डर लगती है, ताकि वो भी समझते हैं कि हाँ भाई बंदा खड़ा है तो नहीं जाना। बाकी बात वो अलग है कि क्योंकि अब ये दुकान में रहता तो ये किसी में जाता नहीं है काटने के लिए, भौंकने के लिए, ऐसे सिर्फ भौंकता है। जैसे गाड़ियाँ जा रही तो उन्हें भौंकता है बस, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उन्हें इतना नहीं करता, मतलब करता ही नहीं है। अब वही है कि वो लड़के पहले भी गांव में आए थे सब्जी लेने, तब उन्होंने इसके साथ या छेड़छाड़ कुछ करी होगी। उस दिन भी उसने काट दिया था जिमी ने उसे, क्योंकि वो छेड़छाड़ ही करते हैं जिमी कुत्तों का। तो ये सीन है कि अगर एक बार पहचान लिया इंसान को तो फिर वही है। तो आज जिमी ने जैसे उसे वहाँ पे देखा तो इसने भौंकना स्टार्ट कर दिया था। तो अब इसमें दवाई लगा रही है, ठीक हो जाएगा। और शाम के अब 7:09 हो चुका, अभी भी मेरा सर दर्द हो रहा है आज क्योंकि बारिश में भीग गया। फिर मेरे अब जिमी के पैर में हल्दी लगाता हूँ। वैसे यहाँ बाघ भूख लगे हुए।
तो अब मैं वीडियो एडिट करूँगा। तो फिलहाल अब मुँह हाथ धो के बत्ती जलाता हूँ, देन उसके बाद चाय पियेंगे, तब एडिट करूँगा वीडियो। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो होप व्लॉग अच्छा लगा हो, तो मैं अभी डेली व्लॉग कर रहा हूँ, तो होप व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और जो मेरी जिम वाली वीडियो थी 2 मिलियन हो चुकी है, आज 1 मिलियन हो चुका है उसमें भी, अभी भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो इस व्लॉग को अभी यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।